ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है, छठवां रोग शत्रु का है तो निश्चित रूप से भाई से विवाद होगा। वाणी में संयम रखें, इस प्रकार चलता है। और आपके लिए ढैय शनि भी चल रहा है, ढैय शनि बकरी है, बकरी शनि आपके लिए आखिरी शनि बकरी है, इसलिए आपको बहुत बहुत सतर्कता सा ध्यान रखना है। आपका उद्योग धंधा जो चल रहा है उसमें परेशानी हो रही है, नौकरी छूट चुकी है, नौकरी में परेशानी हो रही है, मेहनत मजदूरी जो कर रहे हैं उनके लिए जरूर ठीक है ये समय। बाकी जो धन संपन्न लोग हैं उनके जैसो लोहा मशीन से संबंध मशीनें बिगड़ रही हैं और अनेक प्रकार का नुकसान हो रहा है, तो इनके लिए कन्या तुला राशि वालों के लिए लोहा मशीन से सावधान रहना है। खास करके नौकरी पेशा वाले बैठे मेहनत कश लोगों के लिए ठीक है। और खास करके आपकी तुला राशि से तीसरे स्थान पर गुरुदेव चल रहे हैं, इसलिए पत्नी का पूरा सहयोग मिलेगा, उनकी सलाह से आप काम करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, भाग्य वृद्धि का अच्छा संकेत मिल रहा है। अचानक कोई अच्छा समय ऐसा आ सकता है सप्ताह में कि जो है सो आपको अचानक भाग्य वृद्धि हो जाए, जो कभी नहीं उपलब्ध हुआ ऐसी वस्तु आपको मिल सकती है। और ख़ास करके आपके लिए बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं और भाइयों का सामंजस्य होने के साथ लाभदायक समाचार भी आपको इस सप्ताह में मिलेंगे। और आपका जो राहुदेव है, राहुदेव आपकी तुला राशि वालों के लिए सबसे अचिन का है, 7, 8, 9 यानी आपके जो राहुदेव है वो राहुदेव पंचम चल रहे हैं, इसलिए तुला राशि वालों तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ वृक और मिथुन 9 में भाग्य वृद्धि भाग्य स्थान पर राहु चल रहे हैं। भाग्य स्थान के राहु अचानक भाग्य में चोट पहुंचाने वाले हैं, थोड़ा समय है आपका राहु बहुत अच्छा होने वाला है, इसका ध्यान रखना है। फोड़ा फुंसी वगैरह शरीर में विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, उससे भी आपको सावधान रहना है और म्लेच्छ जाति से खास करके सावधान रहना है, उनसे भारी नुकसान हो सकता है, उनकी संगति छोड़ दें। जो दारू पीते हैं या विशेष नियति को छोड़ करके कार्य करते हैं, नियम को छोड़ करके, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक समय है, उनको सावधानी से कार्य करना है। खास करके आपके जो तुला राशि से द्वितीय जो गुरु हैं वाणी में आपको संयम रहेगा, वाणी से संबंध आप अच्छा विकास कर सकेंगे। और खास करके आपके गुरुदेव तुला राशि वालों के लिए उत्तम फलदायक हैं और शनिदेव जो है तो आपकी राशि से ढैया चल रहे हैं तुला राशि वालों के लिए, उनके लिए तो खास करके सावधानी ज़्यादा रखना है, उसको धन को संग्रह करके रखना है, धन से हानि हो सकती है, पत्नी से विवाद हो सकता है, कुटुंब में परिजनों से विवाद हो सकता है और आपके कोर्ट मुकदमा और जो कर्जदार हैं उनसे आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत भरपूर जो है सो थोड़ा कष्टदायक रहेगा, किंतु भगवान की आराधना शिव जी की आराधना करते रहेंगे तो आपका सप्ताह मंगलमय बीतेगा। हरिओम। बैठे बैठे हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।